वेलकम टू अनोखा व्यंजन। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कैप्सिकम का भरी हुई सब्जी, मतलब भरवा। तो उसमें सब मसाला वगैरह भर के बनाएंगे, थोड़ा अलग तरीके से मैं थोड़ा मतलब अलग कुछ डाल के बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 शिमला मिर्च ली हूँ, इसको अच्छे से धो के ये ऊपर का काट दी हूँ और अंदर खाली है, इसमें भर के हम लोग बनाएंगे। तो इसको उल्टा करके रखी, जो अंदर थोड़ा बहुत पानी रहेगा वो निकल जाएगा। और इधर कढ़ाई गरम हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, मसाला क्या डालने वाली हूँ। तो ये 4 भरे प्याज है, इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट ली हूँ, एकदम मतलब फाइन चॉपिंग बोलते हैं ना, वैसे ही कर ले काट ली हूँ बिल्कुल एकदम बारीक। ये 1 भरे टमाटर है, वो बारीक काट ली हूँ। ये बेसन है, ये चम्मच है ना, इससे 2.5 चम्मच, 2.5 चम्मच बेसन दी हूँ, उसको मैंने घी में भूंज के लिया है हल्का। ये 100 ग्राम पनीर है, तो आधा पनीर को मैं कद्दूकस की हूँ और इसको अभी करना बाकी है, इसको भी कद्दूकस कर लूँगी। तो ये हो गया। और इधर ये मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच है, हल्दी 1 चम्मच है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये हींग, बस इतना ही लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है तो पहले उसमें तेल डाल देती हूँ, तेल को गरम होने देती हूँ। हो गया है तो इसमें 1 चुटकी पहले हींग डाल देती हूँ, हींग डाल दी। अभी इसमें ये प्याज को डाल देती हूँ फटाफट। ये प्याज, 4 प्याज है, इसको चाहिए तो आप पीस के भी डाल सकते हो, बट मैं इसको है ना एकदम बारीक बारीक काट के डाली हूँ। तो ये फ्राई करने के टाइम में तो प्याज गल जाता है ना, तो इसको ब्राउन कर लेंगे एकदम अच्छे से, थोड़ा इसको अच्छे से मतलब फ्राई होने देंगे। मम्मा क्या बन रहा है, आप कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे ये कैप्सिकम पे? मेरे को नहीं खाना भरवा, बट बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं पनीर डाल के बनाने वाली हूँ भरवा, तो मतलब बिल्कुल अच्छा टेस्ट आएगा, खा के देखो अलग होगा ना फिर। तो इसको अच्छे से मतलब ब्राउन होने देंगे और तब तक तब मैं ये पनीर को घस के लेती हूँ, कद्दूकस करके ले, कद्दूकस करते हैं इसको घस लेती हूँ। तो क्या ये पनीर ऐसे क्या नहीं, तो खास टेस्ट लाएगा इस खाते बच्चे क्या ऐसे नहीं खाते हैं, ये पनीर डाला ना ये करके तो बहुत ही अच्छा आता है। प्लस ये जो बेसन है ना, बेसन को आप तेल में भी फ्राई कर सकते हो, हल्का सा भूनने का रहता है, मतलब उसका कच्चापन जो होता है वो कम होना चाहिए। तो मैं इसको क्या घी में भून दी हूँ, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग ही उठ के आएगा इसके लिए। तो देखिए पनीर को कद्दूकस कर ली, मोस्टली हो ही गया है और यहाँ पे हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है। प्याज को ब्राउन होने देंगे। ये बेसन है ना? हाँ ये बेसन है, ऐसा लग रहा है ब्रेड क्रम्स है। नहीं बेसन को क्या घी में, मैं घी में फ्राई की हूँ बेसन को, तो क्या मसाले के साथ बेसन डालेंगे तो वो इसमें डालेंगे ना हम लोग जब भी कैप्सिकम में, तो अच्छे से वो निकलेगा नहीं, मसाले को बाइंड कर लेगा अच्छे से। पनीर को कद्दूकस करने के बाद इसका जो सॉफ्टनेस है वो कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही लग रहा है। हाँ पिल्लो बन सकता है इसका तो। ये बताइए क्या लग रहा है, वो कार्टून में नहीं दिखाते क्या, वो बॉल में राइस खाते हुए? वैसे ही लग रहा है, राइस बॉल केक समथिंग कुछ बोलते हैं, राइस केक, राइस बॉल्स भी बोलते हैं, लाइक शिनचैन जो कार्टून आता है वो ही रहा है अभी, ज्यादा हुआ नहीं है, होने देंगे इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे। तो क्या इसमें वो प्याज भी क्या अच्छे से गल जाएगा, तो सभी मसाले के साथ ये मिक्स हो जाएगा, तो फिर भरने में हम लोगों को अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे मम्मी ने जो कैप्सिकम काटा है, मुझे नहीं एक्सपेक्ट हुआ कि मम्मी ने ऐसे काटा होगा, मुझे लगा था मम्मी ने बीच से काटा होगा। धो दी हूँ अच्छे से काट के और सबको उल्टा करके रखी हूँ, जो अंदर जो पानी रहेगा ना वो एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा इसके लिए। एक बार मैं मम्मी ने कैप्सिकम बना रही थी, मुझे लगा मतलब वो ना होता है ना टॉयज जैसा, क्योंकि पहले कैसे वो जो होते ना मतलब वो डक मिलता है, देखो जैसा टांग टांग वो छोटे बच्चे क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, वो छोटे बच्चों को देते हैं, तो मुझे भी लगा था वैसा ही कुछ है क्योंकि पहले ऐसा मिलता था। मैंने इसको जोर से दबा दिया और वो टूट गया पूरा, है ना, याद आया? कुछ कुछ चीजें याद रह जाती है, याद रह जाती है बचपन की, कुछ यादें हमेशा रहती है, पूरी लाइफ याद रहती है। बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी बहुत है आज की, बारिश कल तो बारिश हुई, कल तो बारिश हुई भी थी बट आज तो हुई भी नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं हुई और गर्म बहुत हो रहा है। और ये सब मसाले है ना, और ये हींग है ना? हाँ हींग तो डाल दी अभी बादशाह। ये क्या है मम्मा? ये है धनिया पाउडर। ओ
टमाटर को आज पीसना नहीं है, आज सीधा डालना है, आज ऐसे ही डालूंगी। टमाटर भी मसाले के साथ गल जाएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा सब, तो फिर उसको भर देंगे। ये भाजी क्या मोस्टली चपाती के साथ अच्छा लगता है, चपाती के साथ खाओ तो मम्मा टेस्टी लगता है। बहुत पसीना आ रही है मम्मी को, बहुत गर्मी है। तो देखिए प्याज है ना अच्छे से ब्राउन हो गया है और गल गया है। हाँ। तो अब इसमें सभी मसालों को डाल देंगे। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले मैं पूछती थी हमेशा यही डालता है। ये धनिया पाउडर हमें जरूरी होता है अदरक लहसुन का पेस्ट समय। हाँ, तो अदरक लहसुन का पेस्ट से ही टेस्ट आता है ना। ये मिर्ची पाउडर थोड़ा ये डाल रही हूँ, 2 चम्मच है, थोड़ा तीखा चाहिए तो मिर्ची पाउडर डाली 2 चम्मच। ये जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची होता है ना, पर उसमें थोड़ा हल्दी उसमें पाउडर अलग क्या होता है, उसमें सिर्फ लाल रहता है, वो तीखा नहीं होता है, बस वो कलर के लिए होता है। तो फूड कलर भूल सकते हैं हम लोग उसको, नहीं वो फूड कलर नहीं है, मिर्ची हुआ तो इसको अभी। और इसमें है ना ये कटे हुए टमाटर जो है बारीक कटे हुए, इसको भी डाल देती हूँ, तो ये इसके साथ अभी वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, प्लस टमाटर भी गल जाएगा। तो अभी इसमें नमक भी डाल दूंगी, और थोड़ा टमाटर गला तो फिर पनीर डालेंगे। ये भरा हुआ हमेशा सूखा बनता है, कभी गीला हाँ। नहीं बनाया जाता है, भरा हुआ चाहे वो पटल का भरा हुआ हो, चाहे भिंडी का, चाहे करेले का, वैसे ही बनता है। तभी इसमें नमक भी डाल देती हूँ, तो नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। डाल दी, अब इसको फ्राई होने देती हूँ, टमाटर गल जाए, मसाला भी फ्राई हो जाए, तो फिर इसमें पनीर को डालेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल है बनाना, बस लगता है हाँ अरे इसको बनाने का है, ये शिमला मिर्च का थोड़ा बनाना है, भड़वा बोल सोच के लगता है, फिर बनाओ तो कितना इजी है ना, टेस्टी लग रहा है ना स्टेप्स। हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा यूट्यूब फैमिली के लिए मोमोज बनाए। मोमोज बनाऊंगी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बनाऊंगी ना, क्यों नहीं, बहुत टेस्टी लगेगा। क्योंकि मैंने मोमोज खाए हुए हैं, उसमें जो चटनी देते हैं वो लोग, वो तो और उभर के उनका टेस्ट देते हैं, मतलब जब उस पर डिप करते हैं हम लोग, जब उसे खाते तो वो जो टेस्ट देता और आपको शॉर्मा भी बनाना पड़ेगा। शॉर्मा भी बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी। मेरे YouTube फैमिली वाले बोलो तो एक बार आपको क्या बना के खिलाऊं, क्या बनाऊं, मैं देखो दूसरे दिन रेडी बना दूंगी। छोटा कैप्सिकम है, इसको आप इसमें भरोगे ना? हाँ, सारे मसाले को उसमें भर के वापस फ्राई करूंगी तेल में। शिमला मिर्च थोड़ा अलग ही होता है। टमाटर गल गया है, मसाला भी फ्राई हो गया है, तो अब इसमें पनीर को डाल देंगे। ये पनीर है, इसको डाल देंगे, कद्दूकस किया हुआ पनीर है, अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे दिख रहा है, तो अभी इसको भी टेस्ट देगा, इसको भी हल्का फ्राई कर लेंगे। मैं क्या सोच रही थी, हम लोग इसे कैप्सिकम में डालने से अच्छा ऐसा भाजी यूज करें, भाजी की तरह खाए। ये कैप्सिकम है भर के, थोड़ा मतलब ऐसे बना के देखिए फ्रेंड्स आप, तो देखिए बहुत ही अच्छा बनता है टेस्ट, बहुत ही। एक बार मैं बनाई थी ना, मतलब ये बेसन या आलू वगैरह देखे बनाती थी, तो मैं बोली ये बच्चे बिल्कुल नहीं खाते थे ये कैप्सिकम भरा हुआ, तो मैं बोली अच्छा ठीक है ना, कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो पनीर था घर में, तो पनीर डाले तो अच्छा लगा खाने के लिए, मैं बोली चलो मेरे यूट्यूब फैमिली को भी दिखाती हूँ, ऐसे बना के शेयर करती हूँ उनके साथ। मम्मी ने मलाई की भाजी भी बना रखी है ना? हाँ, मलाई की, मतलब जो दूध होता है ना, उसका दूध का ऊपर का क्रीम जो होता है वो निकाल के रखती हूँ डेली, कटोरी में रख दी, कोई मतलब एयर टाइट जो रहता है उसमें रखती जाती हूँ, जमा करती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, और एक हफ्ता हो गया तो हो जाता है ज्यादा, तो फिर मम्मी ने पालक पनीर भी बनाया है। तो बहुत ही मलाई की सब्जी, क्या मतलब कभी टाइम नहीं है या कुछ ये है, तो फटाफट बन जाता है वो। तो ये देखिए हो गया फ्राई, ये खांसी आ रही है, आँख में जल रही है। तो अब इसमें मैं ये बेसन को डाल रही हूँ, एक साथ डाल दो एक मैं मिला के डालूंगी। ये बेसन क्या टेस्ट कुछ अलग नहीं देगा? टेस्ट अलग नहीं देगा वो बाइंडिंग के लिए, मतलब क्या मसाले को डालूंगी ना तो मसाला निकलेगा नहीं, फिर फ्राई करने के टाइम में एक इसका ये तो ऐसे काट के रखी हूँ, तो ये दिया ना तो टेस्ट भी आएगा, प्लस मसाला क्या सब ऐसा टाइट हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, बाइंडिंग हो गई मसाले की, वो निकलेगा नहीं सब। मैंने भी केक बनाया है मम्मी के साथ, केक मम्मी जब बनाती है, मम्मी ने दिखाया था याद है आपको, चॉकलेट केक ना, चॉकलेट केक, उस पर व्हिप क्रीम करके डाला गया था, जो व्हिप करने में बहुत मेहनत लगता है, नहीं है ना हैंड ग्राइंडर नहीं हमारे पास, तो
वो आइस पे रख के उसको ये करके बहुत विप कर देते टाइम लगता है, बट पर हम लोग ने हाथ से विप किया जो बहुत ज्यादा मुश्किल था असल में बोला जाए तो, लेकिन बहुत यमी था बहुत ज्यादा। मैंने भी बना रखा है। फर्स्ट टाइम मम्मी ने ओरियो चॉकलेट केक बनाया था, मतलब मम्मी ने इस बार भी ओरियो से ही बनाया था, बट मम्मी ने जब ओरियो चॉकलेट केक बनाया था स्टार्टिंग में, मम्मी ने ऊपर से हर्शीज डाला था और ऊपर से मम्मी ने क्या डाला था पता है, मिल्की वे चॉकलेट जो आती है व्हाइट कलर की, वो डाला था जो बहुत टेस्टी लगता है। और मैंने भी बनाया है, बहुत टेस्टी था। मम्मी ने बनाया ना, हाँ बनाई है ना ये भी केक। क्या जब लॉकडाउन था ना तो अभी बाहर का नहीं खा सकते, बाहर मिलता नहीं था, फर्स्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था पिछले साल तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था। तभी क्या तभी बहुत ये बनाओ वो बनाओ, तो केक वगैरह बच्चों को चलो कुछ तो अलग बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो उनके लिए ने उस रात पार्टी की थी, वो भी क्या किया था हम लोग ने, पेस्ट्री कट किया था पीस पीस करके, सब लोग ने प्लेट में लिया, चिप्स डाला, समोसे डाले और ऊपर से केक के साथ कॉफी भी पी थी हम लोगों ने, कोल्ड कॉफी यमी थी ना माँ, याद आते हैं वो दिन जब हम भी पिया करते थे कोल्ड कॉफी। अभी नहीं पीते हो क्या, ऐसा बोल रही है देखो, जैसे अभी नहीं पीती हूँ मैंने, लास्ट बार एक महीने पहले पिया था। तो मसाला फ्राई हो गया है तो बट खांसी हो जाती है, फ्राई हो गया है तो इसको अभी क्या करेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देते, ठंडा होने के बाद सबको भर के लेंगे। तो गैस बंद कर दे रही हूँ और ये प्लेट में सभी मसाले को निकाल लेती हूँ, सभी मसाले को इसमें निकाल ले रही हूँ और इसको मसाले को फैन फास्ट करके इसको पहले थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ, बहुत गर्म है तो भरने के लिए इजी होगा। अच्छा लग रहा है वो पनीर बीच बीच में व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, पनीर इसमें खास टेस्ट देगा, टेस्ट अलग उभर के आएगा, खाली बेसन डाल के मतलब टेस्ट नहीं आएगा। तो ये भी है यहाँ, इसमें डालेंगे अभी नहीं डालेंगे ना, थोड़ा ठंडा होने, मम्मी ने इसको साफ करके ले लिया अंदर का सब जितना सीड वगैरह है ना, निकाल दी हूँ वो सभी को, 5 मिनट इसको ठंडा होने देती हूँ और फिर हम इसमें डालेंगे और बनाएंगे। चलो ठंडा हो गया है, अब इसको कैप्सिकम में भर के लेते हैं, कैप्सिकम और इसमें डालेंगे, बहुत ही भरा कैप्सिकम है ये, इसमें तो बहुत सारे मसाले जाएंगे एकदम ऊपर तक भर के, आधे मसाले इसमें ही चले गए। अब इसको क्या करना है, फ्राई करेंगे ना, इसको फ्राई कर, अंदर का निकलेगा नहीं सब, नहीं नहीं निकलेगा, इसी तरह सभी को बना लेंगे अंदर डाल डाल के, सबको भर देती हूँ इसी तरह। तो इधर मसाला भी, ये कढ़ाई गरम होने दी हूँ, उसमें तेल डाल दी 1 चम्मच, तो ये अच्छे से गरम हो जाएगा। तो अभी हम लोग सब कढ़ाई में बनाएंगे, उसी कढ़ाई जिसमें मसाला फ्राई की थी तो उसमें ही बना के ले रही हूँ। देखो कितना मस्त हुआ है, मैंने टेस्ट भी किया, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और क्या मसाला थोड़ा कम कम भरी हूँ, बिकॉज क्या वो फ्राई करने के टाइम में फिर वैसे सब बाहर आता है, वो ऐसा ये सीझता है तो ऐसा सुकुरता है ना, ये श्रिंक होगा तो सब ऐसे मसाले सारे बाहर आते हैं, तो थोड़ा इसमें गैप रहा ना, थोड़ा अंदर भर भर के डाले ना, तो फिर क्या वो ज्यादा मतलब बाहर नहीं आएंगे, इसको हम सील नहीं सकते हम लोग, पटल तो अभी तेल गर्म हो गया है, सबको इसमें डाल देती हूँ। तो कैप्सिकम थोड़े बड़े बड़े हैं तो इसको अब गैस को मीडियम में करती हूँ और इसको फ्राई होने देती हूँ, अच्छे से कैप्सिकम सीझ भी जाएगा प्लस, और ऊपर से है ना हल्का सा नमक डालती हूँ, हल्का सा बस ऐसे 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 करके ऐसा फैला देती हूँ, छिड़क देती हूँ हल्का सा, क्योंकि प्याज जब हम लोग ये ब्राउन करे थे तो उस वक्त हम लोग ने डाला था नमक, तो अभी हम लोग कम ही डालेंगे, ऊपर से बस क्या इसके ऊपर थोड़ा नमक लगाना तो अच्छा लगता है, इसके लिए डालूँ
अब इसको हम लोग फ्राई होने देते हैं क्योंकि बाहर का पार्ट टेस्ट नहीं देगा ना, फिर इसलिए नमक डाला है। नमक डाली तो मीडियम फ्लेम में करके इसको बीच बीच में चला के अच्छे से फ्राई करके लेंगे। तो देखिए फ्राई हो रहा है, अच्छे से फ्राई हो गया है। हाँ, ये सीज भी गया है, है। हाँ, बाहर का थोड़ा पोर्शन काला हो गया, वो काला मतलब क्या, वो फ्राई हो रहा है। इसी तरह इस सबको उल्टा फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाला भी मैं थोड़ा अंदर करके भरी हूँ तो मसाला ऐसे बाहर नहीं आ रहा है, तो अभी इसी तरह सबको फ्राई कर लेंगे। खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो देखिए फ्राई हो गया है अच्छे से, बहुत टेस्टी दिख रहा है। मैं तो मतलब इसको बीच बीच में ढक के भी फ्राई की हूँ तो वो पक भी गया, सीझ गया है। और चारों ओर से देखो, किधर से भी आप देखिए तो सब जगह से फ्राई हो गया है अच्छे से ये। तो अब इसको निकाल लेती हूँ, जो मसाला ऐसे निकलता है ना तो उसको चम्मच से ऐसे ऐसे अंदर डाल देती हूँ तो अंदर चला गया। तो देखिए फिर हमारा रेडी हो जाएगा कैप्सिकम का रेडी। तो गैस बंद कर देती हूँ, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हमारा भरुआ रेडी है। भरुआ रही, भरुआ रेडी है हमारा कैप्सिकम का, इसको एक एक करके निकाल लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा शिमला मिर्च का भरुआ, बिल्कुल ही अलग तरीके का, मतलब टेस्टी लग रहा है। पनीर डाल के बनाई हूँ तो एक बार आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करें, शेयर करें। सो बाय एवरीवन, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।